TPCODL कर्मचारियों का मनमर्जी कार्य के संपर्क में। आज कटक नगर कांग्रेस की ओर से TPCODL के निर्वाही यंत्री को एक स्मारक पत्र दिया गया था, जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार TPCODL कर्मचारी के द्वारा ग्राहक को परेशान किया जाता है। इसमें 50 नंबर वार्ड के काउंसलर संतोष भोल ने उल्लेख किया है कि ग्राहक बकाया राशि भुगतान नहीं कर पाने के कारण TPCODL कर्मचारी किस तरह ग्राहक को परेशान करते हैं। बच्चों के परीक्षा होने के बावजूद बार बार बिजली कट करने के साथ धमक चमक भी दे रहे हैं। संतोष कुमार भोल, कॉर्पोरेटर कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आज्ञा, देखंतु एभली गोटे समस्या एवं देखा जाऊ विद्युत विभाग अघोषित विद्युत शुल्क वृद्धि बारंबार माने इलेक्ट्रिक कार्ड कट करा जाउची एवं जबरदस्त लोकों ठूँ पैसा कलेक्शन करा जाउची। तेणु एथने आम एग्जिक्यूट इंजीनियर सहित आज गोटे डिस्कसन गोटे टीम आसी डिस्कसन करने जो भाया भाव से जनसाधारण प्रति अत्याचार करुंट तुरंत बंद कराऊ ना को आगामी दिन में कंग्रेस राजरास्ता को आसिक लड़े कर प्रथम से जो भाई भाव में तांकर जार जहाँ बिल हो कार 2-3 हजार टंका फटाट कि जाऊँच लाइनटा काटि दौन तेणु आम आज कहलु जो लाइन काटुचान तुरंत बंद कराऊ डाकी सहित डिस्कसन करा पदक्षेप ने जो स्क्वाड गठन करवाड जो जन घर पहुँची जदि से भूल करेणुटा फाइन कराऊ कि गोटे लोक साधारण जनता को 2 लाख टाँग फाइन करदे 3 लाख टाँग फाइन करदे घरे नहीं पुलिस पशिजा या आम तीव्र निंदा करुँ तेणु आज एग्जिक्यूट इंजीनियर को एक जड़ेदेलु जदि आगामी दिन में यह कार्यक्रम कराए कांग्रेस राजरास्त आसिक विद्युत डिपार्टमेंट विरुद्ध लड़े कर। कटक से हमारे संवाददाता राजेन्द्र प्रसाद छोटराय की रिपोर्ट।